मेरा हॉस्टेले में सबकी शादी करा दूं, पर खुद नहीं करेंगी, इनकी भी करा दूं मैं, मेरा हॉस्टेले में इनकी भी करा दूं, अच्छा लगता है फिगर है बॉडी, वी वांट टू शो इट ऑफ, कम ऑन। मैं उसको सुधारना बोलती हूँ, इन लोग को ये लोग मार बोलते हैं। हमारी बहुत लड़ाई होती है, हम कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं। बच्चों के पैसों से ही घर चलता है। अभी उर्फी खर्च उठाती है, एक टाइम पे वो भी ये भी करती थी, मगर अभी तो उर्फी ज्यादा करती है। जिसको हिम्मत मेरे मुंह पे बोले आके, मेरे मुंह पे तो कोई नहीं बोलता है, पीठ पीछे सब बोलते हैं। हम लोग बिल्कुल कट ऑफ है एक दूसरे से, कोई किसी तरह का हम लोग एक दूसरे को है ही नहीं, मतलब बिल्कुल डाइवोर्स ही समझिए। कि हम वैसी फैमिली से आते हैं ना कि दबाया जाता, तो हम अपने बच्चों को नहीं दबाना चाहते थे। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया, मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे, और आज हमारे साथ हैं उर्फी जावेद की मम्मी, उनकी दोनों बहनें। तो चलिए उनसे बात करते हैं कुछ चटपटी सी। वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। थैंक यू सो मच। डॉली, आप सबसे छोटी हैं घर में, किस तरह से पैम्पर करती हैं आपको उर्फी? ऑनेस्टली मैं सबसे छोटी हूँ, तो सभी लोग मुझे घर में पैम्पर करते हैं, जितने भी सबके कपड़े होते हैं सब मुझे मिलते हैं, मेकअप मुझे मिलता है, एंड रो देती हूँ तो प्यार भी मिल जाता है, तो सभी लोग मुझे पैम्पर करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका जो फेस है, शक्ल काफ़ी उर्फी से मिलता जुलता है। सही में? हाँ सच में। कुछ लोग बोलते हैं कि उरूसा से मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं कि एसपी से मिलता है, तो आई थिंक तीनों से ही मिलता है इस पॉइंट पे। आई थिंक सबका चेहरा मुझसे मिलता है क्योंकि मैं बड़ी हूँ। लेट्स मेक इट लाइक दिस। और सर, मैंने जितना आपका इंटरव्यू सुना है, सबसे ज़्यादा कंप्लेन आपको ही लेकर है आपकी बहनों का, कि ये हमें मारती हैं, हमें बहुत परेशान करती हैं, हमारी चीज़ें भी खा जाती है, ऐसा क्यों? तो ये लोग, आप बड़ी हैं इसलिए हुक्म सबको टॉर्चर करती हैं। टॉर्चर नहीं करती हूँ मैं, पर इन लोग को देखो, ये लोग नहीं खाते तो खा लेती हूँ, क्यों वेस्ट करना? और मार वार ऐसा अब तो नहीं, बट आई थिंक कि पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, अब ये लोग, मैं उसको सुधारना बोलती हूँ, इन लोग को ये लोग मार बोलते हैं। तो पहले खुद तो सुधरो। देखो आपकी मम्मी सुधरी सुधराई हूँ मैं। सुधरी सुधराई थोड़ी कर रही हूँ। अच्छा मैम, आप कितना मेरे बात से वाकिफ है कि सबसे ज़्यादा मस्तीखोर घर में यही है, सारी बहनों को सबसे ज़्यादा परेशानी यही करती है? हाँ, मस्ती भी कह सकते हैं और परेशानी भी कह सकते हैं, मिक्स होता है इसका सब कुछ, थोड़ी है बेवकूफ सी। अरे यार, मूड स्विंग्स बोलते हैं उसको, मूड स्विंग, या मे बी स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मतलब हर टाइम लोगों को मस्ती अच्छी नहीं लगती ना। हाँ, लेकिन ये हर टाइम इनको, जब इनका खुद का मूड खराब है तो नहीं, मेरा मूड खराब है तो। उर्फी कैसे आपको हैंडल करती हैं? हमारी बहुत लड़ाई होती है, हम कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं। उरूसा को कोई हैंडल कर ही नहीं सकता है, हमें उरूसा को हैंडल करना पड़ता है। मैम, आपसे पूछना चाहूँगी, आपने लाइफ में बहुत अप्स डाउन देखे हैं, लेकिन उर्फी ने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। एक तरह से मैंने आपका इंटरव्यू सुना है कि आपका जो घर है उन्होंने उर्फी जावेद ने ही चलाना शुरू किया था, इसमें आपका क्या रिएक्शन रहेगा? हाँ, मतलब बच्चों के पैसों से ही घर चलता है, अभी उर्फी खर्च उठाती है, एक टाइम पे वो भी ये भी करती थी, मगर अभी तो उर्फी ज़्यादा करती है, सब अपने इनकम के हिसाब से करते हैं, उसकी अभी इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा करती है, ज़्यादा करती है। जब उर्फी ने पहली बार इस तरह का ड्रेसिंग सेंस निकाला होगा, निकली होगी, तो आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उस पर हेट भी मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं। जी, मेरा रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहा है उसके लिए, कभी नहीं, मतलब हम बच्चों को हम सपोर्ट ही करते हैं, ठीक है वो कर रही, उसको अच्छा लग रहा है करना तो करने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, लोगों को बुरा लग रहा है हमें क्या करना, लगने दो। लेकिन कहते ना, एक सोसाइटी भी होती, तरह तरह की बातें भी होती हैं, तो आप लखनऊ में रहती थी तो इस तरह की बातें होती थी कि अपनी लड़की को आप देखिए किस तरह से पहन रही है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज करने वाले कपड़े, मतलब क्रिएटिव भी काफ़ी चीज़ें करती हैं, तो किस तरह से आप हैंडल करती थी? नहीं, ऐसे लोग ना ऐसे बैक साइड बोलते हैं ना, मुंह के सामने कोई नहीं बोलता, तो अभी तक मुंह के सामने नहीं किसी ने बोला हमसे, पर हाँ रिलेटिव तो बोलते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा मुस्लिम में आते हैं ना, उसमें ज्यादा होता है ना पर्दा वगैरह, हमारी फैमिली बिल्कुल ही अलग हट गए ना, हमारी हम लोग ये समझ लें हमारे रिलेटिव ऐसे है ही नहीं जैसे हम लोग हैं, बिल्कुल अलग हैं वो, ऐसे दूर तक भी नहीं है वो सब, तो वो तो बोलते हैं, कह रही कैसी लड़कियाँ हैं, देखो कैसे कपड़े, उनको मतलब मेरे मम्मी लोग से भी बोलते हैं लोग कि तुम्हारी नाती जो नवासी है कैसे कपड़े पहनती है, तो भाई मेरी मम्मी क्या, वो अपना काम कर रही है, कमा खा रही है, हम क्या कर सकते हैं, उनका काम है, तो
भाई हम जैसे मेरी मम्मी कभी हमको बताती भी है तो हमने कहा हाँ ठीक है बोलने दो, जिसको हिम्मत मेरे मुँह पे बोले आके, मेरे मुँह पे तो कोई नहीं बोलता है, पीठ पीछे सब बोलते हैं। तो कभी उर्फी के फादर की तरफ से कोई रिएक्शन आया कि आपको लेकर कि आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाइए, मुझे करने दीजिए, कुछ रिएक्शन ऐसा आया था? नहीं, हमारा तो उधर से कट ऑफ है ना। हाँ, तो उधर से रिएक्शन आने का तो सवाल ही नहीं उठता ना, हम लोग का तो कोई कम्युनिकेशन मतलब है ही नहीं ना, हमारे बीच खत्म हो चुका है ना सब। लेकिन कहीं ना कहीं में आप लोग के सेपरेशन में उर्फी ने बहुत अहम किरदार निभाया था, वो लखनऊ गई थी, उसके बाद आपका जो शो है उसमें दिखाया गया है। लखनऊ जाने के बाद उन्होंने पूरा तरह से मतलब कहते हैं कि पहले आई थिंक डाइवोर्स नहीं हुआ था, सिर्फ अलग तो पहले से हो गया था, डाइवोर्स अभी भी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। अच्छा, सेपरेशन है, हम लोग अलग रहते हैं, हमारा मतलब वो एक तरह डाइवोर्स ही समझो। हाँ, हमारा कोई मतलब बच्चों से कोई लेना देना नहीं, कोई किसी से भी नहीं है, हम लोग बिल्कुल कट ऑफ है एक दूसरे से, कोई किसी तरह का हम लोग एक दूसरे को है ही नहीं, मतलब बिल्कुल डाइवोर्स ही समझिए। इतने से आपकी जर्नी जाना चाहेंगे, इतने सारे बच्चों को एक सिंगल मदर हो के पालना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, तो कभी आपके लाइफ में ऐसा मोमेंट आया, ब्रेकडाउन होते हैं तो कैसे संभले आप? नहीं, ब्रेकडाउन तो बहुत हुए हैं, वो तो मतलब हद से ज़्यादा हो गए, मगर ठीक है, तब स्ट्रांग थे हम, अभी थोड़ा हम वैसे हो गए, अभी इतना स्ट्रांग नहीं रहे, मगर ठीक है, धीरे 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 सब ठीक हो गया। मेरे बच्चे भी थे, वो भी बहुत सपोर्ट करते थे, लड़कियाँ मेरी बहुत सपोर्ट करती थी। कहते हैं ना कि जिस घर में चार चार लड़कियां हों काफ़ी संभल के चलना पड़ता है। हाँ, जिस तरह से सोसाइटी है, लेकिन अब आपको काफ़ी प्राउड फील होता होगा कि आपकी लड़कियों ने। नहीं, हमको स्टार्टिंग से ही ये था कि हमें अपनी बेटियों को ना वैसे नहीं बनाना है कि उनको बस शादी कर दो, हमें स्टार्टिंग से अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो जो करेंगे वो करेंगे। हाँ, इनके फादर का वैसा नेचर नहीं था, पर मेरा था, हम स्टार्टिंग से ही थोड़ा मॉडर्न वाले थे, हम सबको पता है, मेरे घर वालों को भी पता है, तो मेरा था कि हाँ मेरे बच्चों को जो करना है वो हम करने देंगे, हम उनको उसे दबाएंगे नहीं। हाँ, कि नहीं नहीं तुम ये नहीं करोगी वो नहीं करोगी, तो ऐसे क्योंकि हम वैसे फैमिली से आते हैं ना कि दबाया जाता, तो हम अपने बच्चों को नहीं दबाना चाहते थे। तो अपनी लड़कियों को लेकर, खासकर उर्फी को लेकर, किस तरह का लाइफ पार्टनर आप चाहती हैं? जैसा वो डिजर्व करती हो, मतलब जो उसको पसंद हो, बस थोड़ा जो उसको अच्छे से समझ सके और प्यार दे, रिस्पेक्ट दे। ये तो हमने अभी आगे शादी वादी को लेकर कुछ बात होती है आपकी? वैसे तो उसका सबसे बड़ी है, सबसे पहले उनकी होनी चाहिए। हाँ, अभी क्या 11 महीने बड़ी हूँ, वो करे मैं करे एक ही बात है, कोई भी कर ले। करती है ना हम लोगों से शादी के बारे में बात नहीं करती है, वो तो यही कहती है हमें शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी, हमें काम करना है। उसका भी यही है मोटिव कि वो भी काम करेगी आगे और बढ़ेगी, शादी तो बाद में करेंगे। हमने कहा ये सही है कि अभी शादी तो करनी है ना, पहले काम कर लो। और आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरह का लाइफ पार्टनर अपने लाइफ में देखना चाहती है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी रहेगा उसके बाद आप दीजिए, टाइम बहुत कम है, कि उर्फी जावेद ने जिस तरह से ड्रेसिंग सेंस रखा है, एक्टिंग में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं, तो क्या आप उसी लाइन में जाना चाहती हैं या फिर आप एक्ट्रेस बनना चाहती हैं? भाई लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, अभी तो फिलहाल तो कोई तो कुछ भी मिल जाए ठीक है, बट आई थिंक नॉर्मल, जो एक नॉर्मल हर लड़की की एक्सपेक्टेशन होती है, सही हो, लेजी नहीं हो, काम करता हो, कभी ऐसा नहीं लगता है कि मेरे से छोटी बहन का लव ऑन मिल गया है बट अब तक मेरी तलाश पूरी? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि अभी मिल गया। अच्छा, मैं तो चाहती हूँ शादी करके वो लोग भी फुर्सत पाए, मेरा बस चले मैं सबकी शादी करा दूँ, पर खुद नहीं करेगी, इनकी भी करा दूँ मैं, मेरा बस चले मैं इनकी भी करा दूँ, डॉली की भी करा दूँ, सबकी करा दूँ। और अगर उर्फी के करियर को लेके मतलब अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या, देर कैन ओनली बी वन उर्फी, देर कान बी टू, या डॉली कैन बी अनदर उर्फी, क्योंकि एज का बहुत गैप है भाई, ऑलमोस्ट डेकेड, 7-8 साल का डिफरेंस है, तो जब तक डॉली उर्फी की एज पे आएगी कुछ करेगी, लोग उर्फी कुछ और कर रही होगी, आई एम प्रीटी श्योर, शी मस्ट बी डूइंग वेरी वेल, तो उधर तक आई कान डू वट उर्फी हैज डन एंड वट उर्फी डज। पहली बात तो मुझे वो करना ही नहीं है, मेरा वो पैशन नहीं है, बाकी मुझे पता नहीं है मेरा पैशन क्या है, आई माइट नो इट इन योर फ्यूचर। डॉली आपसे जानना चाहेंगे, आप एक्ट्रेस बनना चाहती हैं या एजुकेशन में कुछ मुकाम हासिल करना चाहती हैं या फैशन की दुनिया में जाना चाहती हैं? अभी मैं सिर्फ 18 की हूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज रहती कि मुझे क्या करना है, बट डेफिनेटली मैं बहुत टाइम से इन्फ्लुएंसिंग कर रही थी, आई वॉज एन इन्फ्लुएंसर, आई स्टिल एम, तो फैशन इज समथिंग दैट आई लव, आई यू नो आई एम इनटू द जेन ज़ी स्टफ, यू नो definitely something that I want to explore in, and acting is something ki I would definitely love to try it. Ho gayi to ho gayi, kyun nahi? और सर लास्ट सवाल मुझे आपसे रहेगा, उर्फी जिस तरह से कपड़े पहनती है उसे लेकर कभी आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट, कभी आपको चीज़ ना पसंद आई हो तो आपने अपना सजेशन दिया हो? Okay,
क्या आर्गुमेंट, क्या नापसंद, हम बचपन से ही हम लोग को पसंद है छोटे कपड़े यार, पसंद है अच्छा लगता है फिगर है बॉडी, वी वॉन्ट टू शो इट ऑफ, कम ऑन. एंड आई डोंट थिंक सो कि कपड़े एक ऐसा, ये तो बेसिक चीज है, उसमें क्या नापसंद पसंद. ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं है सब कुछ. अभी क्या, आई लव ट्रोलिंग, ट्रोलर्स, टॉक अबाउट अस, ट्रोलर्स बात कर रहे हो ना हमारे बारे में, चलेगा. लोग तो बात करते हैं, जितनी चर्चा होगी उतना पैसा होगा. चर्चा आए पैसा आए वो पैरेलल जा रहे हैं. लास्टली अपने फैंस को आप तीनों क्या कहना चाहेंगे? फॉलो कर लो यार. जितना फॉलो करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे बच्चे, उतने ही पैसे आएंगे.